डेराबसी दे विच इक वड्डा हादसा वापरिया। पुरानी सब्जी मंडी दे नेड़े उसारी अधीन इमारत डिग गई। हादसे दे विच चार लोगों की जान चली गई। कई लोगों के मलबे हेठ दबे होने का खदशा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। राहत कार्य लगातार जारी है। ये तस्वीर डेराबसी दियां ने जिथे उसारी अधीन एक इमारत डिग गई है। चार लोगों की जान चली गई। हले कई होर लोगों के मलबे हेठ दबे होने का खदशा जिहड़ा प्रगटाया जा रहा है। मौके की नैशनल डिजास्टर रेस्क्यू टीम है जिहड़ी पहुंच चुकी है, जिन्हां दे वल्लों राहत कार्य लगातार जारी ने। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है। चार लोगों की जान चली गई और कई होर लोगों के मलबे हेठ दबे होने की खदशा जिहड़ा शक है प्रगटाया जा रहा है। पुरानी सब्जी मंडी की यह खबर है डेराबसी की, जिथे उसारी अधीन एक इमारत डिग पई है, जिसके हेठ कई लोग दब गए ने। चार लोगों की जान चली गई है। बाकी लोगों नूं मलबे हेठों कढ़न दे यतन किए जा रहे हैं। तस्वीर तुसीं वेख पा रहे हो डेराबसी दियां ने, जिथे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो लोग मलबे हेठ दबे हुए ने उन्हां नूं बचाउण दियां कोशिशां कीतियां जा रही ने। चार लोगों की जान चली गई है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पुजी हुई है, जिन्होंने वालों बचाव कार्य लगातार जारी ने। उसारी अधीन एक इमारत डिग गई है। चार लोगों की जान चली गई। तस्वीर तुम वेख पा रहे हो डेराबसी की, पुरानी सब्जी मंडी के नेड़े इलाके दियां ने। प्रशासन भी मौके पर पुजा हुआ। एनडीआरएफ की टीम एनडीआरएफ भी मौके पर पुजी हुई है। लगातार बचाव कार्य किए जा रहे हैं, जो मलबे हेठ दबे लोगों को बाहर कढ़िया जा सके, उन्होंने राहत पहुँचाई जा सके। चार लोगों की जान इस हादसे के चली गई है। डेराबसी तो एक खबर है जिथे भयानक हादसा वापरिया, चार लोगों की कीमती जान चली गई। वो मौत के मूँह चले गए, रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीर तुम वेख पा रहे हो कि किस तरह के नाल एनडीआरएफ के वलों लोगों नूं बचाउण दे लई बचाव कार्य लगातार जारी ने। कुछ लोगों नूं मलबे हेठों कढ़िया गया है ते कुछ होर दे दबे होण दी आशंका प्रगटाई जा रही है। दुकानां बन सकदियां कोई सफिशेंट स्पेस है ते फिर सिंगल सिंगल बीम कोई बिल्डिंग च पाया कि सरिया नजर आता है तो इटा जड़ियाँ पुरानिया टुटी हुई लाइया चार अजे तक बंदे निकले जिन्हों जो तीन मर चुके हैं तो चौथा सीरीयस रूप से हस्पताल दाखला अजे पता नहीं अंदर किन्ने होंगे। इस वास्ते जिम्मेवार तो म्यूनसीपल कौंसल के अधिकारी हैं सारे जिन्होंने गैर कानूनी बिल्डिंग बिल्कुल म्यूनसीपल कौंसल के जगह च और दफ्तर के बिल्कुल नाल बननी अलाउ करी हूँ।